अब उनको इस सत्ता में मुख्य भूमिका में अब आना है। अब हमें खाली की रिजर्व सीट पर लेकर के आपने एक आध मंत्री संतरी बना दिया, उससे चलने वाला नहीं है। देखिए, रिजर्व जो सीट बाबा साहब ने की थी वो गारंटी की थी कि कम से कम ये लोग इनको तो ले लें मजबूरी बस, अगर रिजर्व नहीं होती तो एक आदमी को ये अपने ऑफिस के आसपास भी नहीं घुसने देते SC ST, ठीक है ना। रिजर्व होने के कारण ये मजबूरी में वो बुलाते हैं, लेकिन हाँ राज्यसभा में रिजर्व नहीं है तो राज्यसभा में एक भी वहाँ का अनुसूचित। सर, कितनी पार्टियां हैं इस अलायंस में और क्या क्या रणनीति है चुनाव की? देखिए, अभी जो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस जो अभी बना है इस चुनाव को लेकर के, पहले हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बना के दिल्ली का वो कर रहे थे, अभी कम से कम 10 पॉलिटिकल पार्टियां जो नेशनल और अपना डोमेस्टिक पार्टियां हैं, तो 10 हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पॉलिटिकल जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं चुनाव आयोग से, और करीब करीब 25 सामाजिक संगठन जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, महिला संगठन भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस अलायंस में आ गए हैं और सबके सब चुनौती दे रहे हैं। इस बारी दिल्ली में उन लोगों की सरकार जो डिप्राइव हैं पिछले 70 वर्षों से, 5000 साल से तो हैं, 70 वर्षों से जो डिप्राइव हैं, अब उनको इस सत्ता में मुख्य भूमिका में अब आना है। अब हमें खाली की रिजर्व सीट पर लेकर के आपने एक आध मंत्री संतरी बना दिया, उससे चलने वाला नहीं है। देखिए, रिजर्व जो सीट बाबा साहब ने की थी वो गारंटी की थी कि कम से कम ये लोग इनको तो ले लें मजबूरी बस, अगर रिजर्व नहीं होती तो एक आदमी को ये अपने ऑफिस के आसपास भी नहीं घुसने देते SC ST, ठीक है ना। रिजर्व होने के कारण ये मजबूरी में वो बुलाते हैं, लेकिन हाँ राज्यसभा में रिजर्व नहीं है तो राज्यसभा में एक भी वहाँ का अनुसूचित जाति का किसी आदमी को ये इच्छा से रखते नहीं है, और अपनी पार्टियों में SC ST विंग्स बना करके वहीं तक रखते हैं। अब हमने कहा हम अपने संगठनों में भी और हम सरकार में भी मुख्य भूमिका में रहेंगे, और इसलिए हमने तमाम उन लोगों को जो जाती हैं SC ST OBC OBC भी, OBC को भी ज़्यादा आगे नहीं आने देते, जबकि बड़ा वोट है, वो बहुत बड़ा वोट है, और उनका भी जो बहुत बड़ा तबका जो अब इस समय पीछे जा रहा है, आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहा है, और मुस्लिम जो माइनॉरिटी है जिसको सच्चर कमेटी ने प्रॉपर तरीके से बताया कि अनुसूचित जाति से भी मुस्लिम्स जो पीछे हैं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, तो उनको जो और जो सुझाव दिए सच्चर कमेटी ने वो भी लागू नहीं करे, तो हमने एक मोर्चा, इसको बड़ा मोर्चा SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को मिला करके ये बनाया है, और हम चुनौती देंगे, और इस बार सब मिल करके सब मिक्स होकर के अपनी सीटें ले रहे हैं और सब लड़ रहे हैं और सब। एक मिनट सर, क्या लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार दावा करती है कि मुफ्त में जो है महिलाओं के लिए यात्रा कर दी है, बिजली पानी इस तरह की चीज़ें जो है जनता को खुशहाल करने का वो दावा करती हैं, आपके क्या चुनावी मुद्दे होंगे और किस तरह से जो है इनको चुनौती देंगे आप? देखिए, जब आप अपनी जनता को कोई चीज़ फ्री दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब खुशहाली है नहीं, या आप समझिए कि आप उनको कुछ भी चीज़ फ्री यात्रा देने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाती हैं, और बहुत सारी महिलाओं ने विरोध किया है इस फ्री बात का। मैं उनका सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। महिलाओं ने कंडक्टर को बोला हमारा टिकट लो, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को और महिलाओं को रोजगार दो, हम आत्म सम्मान से जीना चाहते हैं, मुफ्त खोरी से नहीं, हमें काम दो, हम अपने पैसे से कमा के आपके 10 रुपये का बिल भी देंगे, हम आपका पानी का बिजली का बिल भी देंगे, और हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा अपने पैसे से कमाएंगे, तभी पुण्य मिलेगा, उनको घुमाएंगे, नहीं तो आप फ्री नहीं चाहिए, हमें उस पैसे से रोजगार दो। और इसीलिए हमने कहा कि भाई जो महिलाएँ हैं, महिलाओं के लिए हम स्पेशल रोजगार का, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे पूरी तरह। शिक्षा देखिए सेकेंड नंबर पर आती है, जब ये दुनिया में शिक्षा पहले नहीं आई, पहले आदमी ने अपनी मेहनत से और इसको खड़ा किया, शिक्षा आदमी ने ईजाद की है। शिक्षा जब होगी, जब आप में रोटी होगी, आदमी अपने कमाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हमारे भी अनपढ़ माँ बाप को अच्छी नौकरी मिल गई तो हमें दिल्ली में पढ़ा दिया, आज हम बातें बना रहे हैं। तो शिक्षा सेकेंडरी है, फर्स्ट रोजगार रोटी, हम रोजगार को प्रायोरिटी देंगे और शिक्षा उसके बाद है, और महिलाओं को आधी आबादी को हम पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर आत्मनिर्भर करेंगे, जो अपने माँ बाप पे, अपने पति पे, अपने बच्चों पे वो बिल्कुल डिपेंड ना रहे, और शिक्षा में भी उनको हम बराबर कर। सर, सफाई कर्मचारियों का बड़ा मुद्दा रहता है दिल्ली में, हमने देखा है, और केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर इसका दोष लगाती रहती है, इस तरह का जो चलता रहता है, तो आपकी सरकार बनती है तो क्या एजेंडे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को हम सबसे पहले सबसे अबोलिश करेंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इलीगल उसको करेंगे, और सबसे पहले 65,000 सफाई कर्मचारी जो सबसे कमजोर तबका है इस देश में, और 25 साल से वो दिल्ली में काम कर रहे हैं,
हैं, एफजीदार में 14-14 दिन की उनको तनख्वाह मिलती है, 5-5, 6-6 हज़ार पे काम कर रहे हैं, 25-25 साल से हमने कर रहे हैं। हमने कहा जो 240 दिन पूरे कर चुके होंगे, शपथ लेते हैं, अगर हमारे शपथ लेते हैं, हमारी सरकार बनती है, शपथ लेने के एक घंटे के अंदर अंदर 65,000 सफाई कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, और 6 महीने के भीतर भीतर दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए बोर्ड बनाएंगे, 6 महीने में अबॉलिश करके बाकी कर्मचारियों को भी पक्का करें। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, कितने आसवान है सरकार बनाने को लेकर और किस तरह से जो है समीकरण आप बनाएंगे? देखिए समीकरण तो बने हो, मेरे साथ खड़े हैं खजाना साहब, मेरे साथ खड़े हैं हमारी मातृशक्ति महिलाएं आदि आबादी हमारे साथ खड़ी हैं, अनुसूचित जाति हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी खड़े हैं, तो समीकरण अपने आप बने हुए। मैं पूरी तरह आशावान हूँ, 70% हमारा वोट है और 70% की सरकार बनेगी, अब 1.5 वोट की सरकार नहीं बनेगी, मेरे को पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ और सरकार हमारी बनेगी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।